हिमपातको कारण सन्दकपुरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। पानी सबै जमेर हिउँ भएपछि तथा हिमपातले बाटो थुनिएर पानी बोक्ने गाडीहरू अचल बनेपछि दैनिक रूपमा चाहिने पानीको आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीयहरू हिउँ बगाल्न बाध्य बनेका छन्। अर्कोतिर स्थानीयहरू सबै सिहलिला ल्यान्डोभर एसोसिएसनका सदस्यहरूको सहयोगमा बिर्के भन्ज्याङसम्म स्थायी रूपमा आवत जावत खुलेपछि पर्यटकहरू बिर्खेबाट पैदल मार्फत सन्दकपू आउन थालेको निमा शेर्पाले बताएका छन्। हिउँबाट चाहिँ खाने पानी चाहिँ तयारी हुन्छ टोइलेट हुनुको लागि सब। पे आए थे अच्छा जगत में, उसके बाद उधर से आए संदकपू की तरफ, तो इधर तो बहुत बर्फ था। फिर हम लोग काल पोखरी में रुके थे, एक दिन रुके, वेट किए वेदर अच्छा होने का। आज वेदर अच्छा हुआ तो उधर काल पोखरी से हमारा ड्राइवर हमको लेके ट्रेक करवाया। आज फिर बैक हो गया, आज फिर बैक हो जाएंगे उधर ही। बहुत सुंदर है संदकपू, बहुत सुंदर, ये पूरा स्विट्जरलैंड जैसा व्यू है इधर से। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, देखिए इसे। बीके बंजन से तो आप सुबह आया ना? बीके बंजन से हम सुबह 6:30 निकले, फिर 6:30 से हम लोग ऐसे बूट लेके उधर से रेंट पे ऐसे इधर से ट्रेकिंग करते हुए आगे, हमको गाइड किया हमारा ड्राइवर ने शेरपा भाई, और बहुत मजा आया, बहुत सुंदर ट्रेकिंग था, बहुत स्नो है इधर। आप लोग भी आइए एंजॉय कीजिए। गिरना जाओ दिखे अच्छा स्नो ते उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले लिएर आउनु भएको रहेछ, कहाँसम्म चाहिँ आउँछ गाडी? अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईँको कालपोखरीसम्म चाहिँ मजाले आउँदैछ, यो बिखे भन्ज्याङसम्म चाहिँ अहिले खुल्ने चाहिँ खुलेको रहेछ, यो चत्तुबारी भन्नेसम्म चाहिँ खुलेको छ, तर त्यस्तो अब रिक्स त लिनु भएन। अहिले मजाले आउने चाहिँ यो बिखे भन्ज्याङसम्म चाहिँ हो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी हिजो आएर कालपोखरी बसेर आज चाहिँ ट्रेकिङ गरेर, ट्रेकिङ तपाईँले हिँडाइके लिएर आउनुभयो है, सेफली लिएर आउनु भएको छ, ठिकै छ। आपको ड्राइभर कैसा लगे? बहुत सपोर्टिंग है, ठीक है। और हमारे साथ फुल ट्रैक किया है जी, ठीक है। तो आपका जेन्युइन रिव्यू है।